तो कंगाल हो गया है पाकिस्तान और उसने दे दिया है ऑनलाइन कोचिंग का फरमान। आपको बताएंगे पूरी खबर, जरा पेशेंस रखिए, इसीलिए तो कहते हैं वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार जी, मैं हूं आपका दोस्त अरुण मेरा और आप देख रहे हैं एन स्पोर्ट्स HD24। दोस्तों खबर एकदम पक्की है और एकदम पुख्ता खबर लाया हूं आज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंगाल हो चुका है और उसके पास अपने खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया से ये उड़ती उड़ती खबर अभी आ रही है और हम आगे चल के कुछ पाकिस्तानी मीडिया की कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को और अपने गवर्नमेंट्स को बोला है। तो आपको इससे जो है पूरी विश्वास हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी कि हाँ, पाकिस्तान के पास अब अपने खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं और कंगाल हो सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है तो वो भी दिवालिया हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान जो है तो दिवालिया होने के कगार पर आ गया है, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। आप सभी लोगों को पता है कि पहले जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान का, जो PCB है, वहाँ के जो मेन कोच थे वो थे मिकी ऑर्थर। और अभी उनका जो चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इंग्लैंड के साथ में चल रहा है, और इंग्लैंड के वो है काउंसिलियों का जॉब है या जो भी काम कह लीजिए, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ अभी उनका 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो अभी पाकिस्तान आ नहीं सकता। और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो कह रहा है कि कोई भी यदि हमारे क्रिकेट को आगे बढ़ा सकता है तो वो है मिकी ऑर्थर साहब है, जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को, हमारे क्रिकेट को आगे तक ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा कि मिकी ऑर्थर के अगुवाई में ही पाकिस्तान टीम जो है तो 2017 या 19 में जब भारत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो वो शायद 2017 था या 2019 था, मुझे अच्छे से सन याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा। तो जब की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में जीती है पाकिस्तान, तो उस समय जो है तो मिकी ऑर्थर जो है तो क्रिकेट पाकिस्तान के क्या थे, मेन कोच थे। तो अभी जो है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेट को कोई भी यदि आगे ले जा सकता है तो वो है मिकी ऑर्थर साहब, वो जो है तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफर दिया गया है कि आप चाहें तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को ऑनलाइन जो है तो कोचिंग दे सकते हैं, उन्होंने बोला है। तो उनकी तरफ से अभी तो खैर कोई जवाब नहीं दिया गया है क्या पाकिस्तान रियल में ऑनलाइन कोचिंग देगा अपने क्रिकेट को, और देगा तो किस तरीके से क्रिकेट कोचिंग देगी, क्योंकि वो तो फिर लैपटॉप में या फिर जूम में दिया जाएगा, तो कैसे दिया जाएगा आप वो वही जाने। क्या एक प्लेयर को सामने बिठाएंगे और उसको बताएंगे कि तुम, मैं देख रहा हूँ तुम वहीं से खेलो, कैसे करना है, तो वो कैसे करेंगे वो तो पाकिस्तान ही जान सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि जितना पैसा जो कोच ले रहे हैं उतना पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम एक अच्छा कोच जो है तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जो है तो मिकी ऑर्थर साहब को जो है तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए रख रहे हैं। क्या मुझे ये, मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी लोगों से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्या आपके पास, आपके इतने बड़े देश में कोई भी बल्लेबाज नहीं है, कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो कि अपने देश के क्रिकेटरों को जो है तो कोच कर सके? यूट्यूब में तो बहुत आ जाते हैं शोएब अख्तर और सलमान भट्ट और ना जाने कौन कौन से भट्ट करते रहते हैं यूट्यूब में अपना जो गेम पेलते रहते हैं, टीम इंडिया ऐसी कर रही है, टीम इंडिया वैसे कर रही है, गेम छोड़ते रहते हैं। क्या तुम्हारे पाकिस्तान में मर गए क्या सारे लोग, चूड़ियाँ पहन के बैठ गए हैं क्या? हमारे यहाँ देख लो एक से एक कोच, दो पैसा हमारे यहाँ से एक कोच चले जाएंगे। ओ, ये सोचने वाली बात है क्या पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी नहीं है या फिर वो सब एकदम करप्ट है, जो कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको विश्वास नहीं है? जिस तरीके से आपने देखा होगा पहले भी पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर जो है तो मैच फिक्सिंग में आ जाते रहे हैं, तो क्या उनमें अभी भी वो मानसिकता है कि यदि कोच बना देंगे तो जाके दूसरे देशों के साथ में मैच फिक्स कर लेंगे, क्या ये मानसिकता है? पता नहीं क्या है, लेकिन उतने बड़े देश में 22 करोड़ की आवाम में इतने सारे क्रिकेटर आपके रहे इंटरनेशनल, और पहले तो पाकिस्तान की टीम जो है माना जाता है कि बहुत खतरनाक टीम थी, बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हुए, बैटर हुए और बॉलिंग
हैं तो बॉलर भी हैं, तो क्या उनके पास ऐसा कोई कोच नहीं है जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑनलाइन कोचिंग के लिए ऑनलाइन कोच रखना पड़ रहा है? ये तो बहुत ही मतलब पाकिस्तान के बेतुके बयान है और बेतुके कारनामे हैं। खैर वो तो वही जाने, पाकिस्तान ही जाने, आप सभी को पता है पाकिस्तान वो करता है कि जो दुनिया में एक्सपायर हो चुका होता है वो चीज़ पाकिस्तान करने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसे कुछ करने की चाह रख रहा हो। हम आपको कुछ पाकिस्तानियों के क्लिप्स भी सुना सकते हैं, सुना रहे हैं, जो कि आप देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ पाकिस्तान में ऐसा होने वाला है। और आप जो है तो इस पर कुछ कमेंट बाद में हम भी आपको कुछ कमेंट देंगे और आप भी हमें जो है तो कमेंट में बताइएगा क्या ये अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है या इससे क्रिकेट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप ये जरूर बताइएगा। सुनिए पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों आपने सुना पाकिस्तान में यही चल रहा है और लोग ये भी बोल रहे हैं कि यदि आप ऑनलाइन कोच रखते हैं तो आप ऑनलाइन वर्ल्ड कप भी खेल लेना, आप ऑनलाइन मैच भी खेल लेना और ऑनलाइन मैच जीत भी जाना। तो दोस्तों पाकिस्तान में कुछ इस तरीके के हालात हैं, क्या करने वाला है पाकिस्तान का, कौन बचाएगा पाकिस्तान? फिलहाल आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।